अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट क्या मिली कि केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए। केजरीवाल को जेल से छुड़ाने की फीस शायद यही थी कि राज्यसभा सीट दी जाएगी। सिंघवी एक राज्यसभा सीट के लिए तड़पे जा रहे थे, पर स्वाति मालीवाल ने ऐसा होने नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में प्रयास किए थे पर किस्मत ही फूटी थी जो हार गए, अंततः पुरानी जगह वापस लौट आए और कर्नाटक से कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। लेकिन अब केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि हरियाणा में चुनाव 3-4 महीने बाद है। अगर केजरीवाल छूट गए तो मुश्किल कांग्रेस के लिए करेंगे, इसलिए तो कांग्रेस ने एक तीर से 2 शिकार कर लिया है। हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा, अभिषेक मनु सिंघवी को फीस नहीं देनी पड़ी और केजरीवाल का इलाज हो गया। कांग्रेस की इस शातिराना चाल से केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्य सीनियर लीडर्स का मुकदमा लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है। अब पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को नई जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने लो ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट का पुनर्गठन किया है। पार्टी आलाकमान ने सीनियर लीडर और नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ अन्य सीनियर नेताओं और एडवोकेट को भी विभाग में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने कानून मानवाधिकार और आरटीआई विभाग का पुनर्गठन किया। अभिषेक मनु सिंघवी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विभाग में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद, केटीएस तुलसी और विवेक तनखा जैसे लोग शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC कानून मानवाधिकार और RTI विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। सिंघवी को विभाग का अध्यक्ष नामित किया गया। पैनल में खुर्शीद, तनखा, तुलसी, हरीश रावल, प्रशांतो सेन, देवदत्त कामथ और विपुल माहेश्वरी शामिल है। कार्यकारी पैनल में मोहम्मद अली खान सचिव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विभाग का पुनर्गठन किया है। अभिषेक मनु सिंघवी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस विभाग में अमन पवार, उमर होदा, ईसा बख्शी, अर्जुन शर्मा, निशांत मंडल, अमित भंडारी, तरन्नुम चिम्मा, निंगोम्बम बुपेंडा मेतेई, लाल नुहन लुई रालते और स्वाति ड्रेइक कार्यकारी पैनल के सदस्य है। अभिषेक मनु सिंघवी कई हाई प्रोफाइल मुकदमे लड़ रहे हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला भी शामिल है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जहां दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को हिरासत में लिया है, तो ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़ा था। अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केजरीवाल के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। सिंघवी मनीष सिसोदिया के मामले की भी पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ। धन्यवाद।